इस तरह एक तरह से फैनल मोड होता है जो छोटी कक्षाओं में उपयुक्त होता है। इसमें रोचक तरीके के जो कंटेंट होते हैं वो बच्चों को हम अट्रैक्टिव करके लगा सकते हैं, कहानियां हम बता सकते हैं इसके माध्यम से। अब जैसे मैंने डेज ऑफ द वीक मैंने कटिंग काट काट के लगाई है, संडे मंडे ये मैंने लिखा है, मतलब कटिंग छोटी 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 मैंने कटिंग्स काट के लगाई है, यहाँ पे कुछ भी डायग्राम बनाया है, तो ये एक अट्रैक्टिव है। पूरा का पूरा एक तरह से क्या होता है, फ्लैनल बोर्ड होता है। इसी के साथ जैसे यहाँ पे मैंने आपको डेज ऑफ द वीक बताया, इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, डोमेस्टिक एनिमल्स, किसी भी तरह डोमेस्टिक एनिमल जो एनिमल्स के लिए कागज से वो काट काट के डोमेस्टिक एनिमल्स लगा सकते हो। इस तरह हम क्या करते हैं, फ्लैनल बोर्ड का निर्माण करते हैं जो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। अब बेसिकली हम बच्चों को ये भी बता सकते हैं जैसे महात्मा गांधी की जीवनियाँ होती है, रामायण की होती है एक तरह से, महाभारत होता है, इंडियन ओडिसी टाइप का जो होता है, कि आदि में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो कहानियाँ होती है चित्रात्मक होता है उसको हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ग्राफ, तो इकोनॉमिक्स में हम इस तरह फैनल बोर्ड में अट्रैक्टिव उभावक ग्राफ हम बना के बच्चों को उसके बारे में बता सकते हैं। अब फैनल बोर्ड का उपयोग क्या क्या है, फैनल बोर्ड के उपयोग होती है, कोई रोचक कहानियां होती है, तो हम पहले ही छोटे छोटे क्या करते हैं, प्लॉटिंग के द्वारा
आवश्यकता होती है, पिन के माध्यम से हर कोई भी बच्चों का, जैसे कोई क्रिएटिविटी बच्चों ने लगाई है तो आप उसके अंदर एक बोर्ड के ऊपर मतलब उसके थ्रू लगा सकते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे बुलेटिन बोर्ड कहते हैं, जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लगा सकते हैं, बच्चों द्वारा जो जो नई क्रिएटिविटी की गई है वो पोस्टर्स हम लगा सकते हैं उसके अंदर। फिर नेक्स्ट आता है बुलेटिन बोर्ड के बाद आता है अभिनयन, अभिनयन अथवा नाटक, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय सहायक सामग्री माना जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आज जैसे कॉलेजेस होते हैं या स्कूल्स के अंदर जब नाटक को बताया जाता है तो एक संदेश, एक मॉरल दिया जाता है, तो वही चीज इसके इकोनॉमिक्स के अंदर होता है कि अगर कोई ऐसा कंटेंट है या कंटेंट नहीं तो कुछ ऐसी चीजें जिसकी नॉलेज हमें देनी है, तो हम एक किसके माध्यम, एक अभिनय और नाटक के माध्यम से नाटकीय विधि को अपनाकर बच्चों तक वो चीज या वो संदेश हम पहुंचा सकते हैं, उनके बारे में वो कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर सकते हैं नाटक के माध्यम से। तो ये बोलते हैं कि शिक्षक की सहायक सामग्री के रूप में बहुत अच्छी विधि मानी जा सकती है, मतलब एक बहुत अच्छी सहायक
राजस्थान में आज भी इसका बहुत अधिक महत्व है। हम ये कह सकते हैं कि कठपुतली बिना प्रशिक्षण के हम कोई भी सूचना बच्चों तक नहीं दे सकते। मतलब कठपुतली जब हम मतलब एक करते हैं, एक नाटकीय विधि जो होती है, नाट्य विधि की तरह ही कठपुतली मतलब एक तरह से उपयोग में ली जाती है सहायक सामग्री के रूप में। तो इसके लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और ये बहुत ज़्यादा टफ या कठिन कार्य नहीं है। एक बार प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद क्या होगा, जो शिक्षक होता है उसको ये सरल मतलब एक तरह से उसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ईजी होता चला जाएगा। और ये प्रशिक्षण उसे कहाँ पर प्राप्त कहाँ पर मिलता है, राजस्थान में द्वारा दिया जाता है। मतलब राजस्थान में तो भारतीय लोक कला मंडल में और उदयपुर के संचालित गोविंद शैक्षिक कठपुतली प्रशिक्षण केंद्र में क्या किया जाता है, अध्यापकों को इसका ट्रेनिंग दी जाती है। एक बार प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद जो अध्यापक होते हैं वो सफलतापूर्वक क्या कर लेते हैं, अपनी जितनी भी बातें हैं या फिर जो बच्चों को जो इससे रिलेटेड मतलब एक बताया जाता है जो भी वो इजी गोइंग में बता देते हैं, जो कि इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण के लिए बहुत अच्छी प्रभावकारी मतलब एक सहायक सामग्री सिद्ध हुई है हमारे राजस्थान के अंदर। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, हम ऐसे इसका उपयोग किस तरह कर सकते हैं, तो कठपुतली का उपयोग ठीक है, पहला आता है इसमें अर्थशास्त्र शिक्षण में कठपुतली प्रदर्शन के माध्यम से आदि लोगों का
जाता है। दूसरा है भारतीय देशभक्तों की जीवनियां प्रकार की स्लाइड्स होती हैं छोटे छोटे, इसके मतलब जैसे टू इंटू टू और थ्री इंटू
शो होती जाती है। लेकिन सुविधा हो तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मुख चलचित्र भी प्रदर्शित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम बोलते नहीं है, ठीक है, हम इसके अंदर क्या नहीं करते, आवाज सुना, हमें आवाज तो सुनाई देती नहीं है। लेकिन इतना हो सकता है अगर सुविधा हो तो हमें इसके अंदर, मतलब जब हम प्रेजेंटेशन बता रहे हैं, जब बच्चे को वो चीज समझा रहे हैं, तो हम बोल के प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। क्योंकि जब हम स्लाइड्स लिखते हैं तो उसके अंदर बच्चों को आवाज सुनाई नहीं देती है। फिर आता है ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसे हम हिंदी में शिरो परिप्रेक्ष्य भी कहते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर एक ट्रांसपेरेंसी शीट्स, आपने देखी है ट्रांसपेरेंसी शीट्स होती है, जिसके अंदर काले मोटे अक्षरों से लिखा होता है, उसके अंदर एकदम डार्क डार्क हम लिखते हैं। और जब हम इसको, इसका प्रेजेंटेशन दोनों होता है, तब रूम में अंधेरा होना चाहिए। और एक इसके अंदर कौन सा बल्ब यूज, इलेक्ट्रिक बल्ब उपयोग में लिया जाता है, ठीक है ना। पारदर्शी शीट पर हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे उसे घुमा सकते हैं, जो हमें क्या करते हैं, जैसे उसमें मैंने आपको बताया पर्दे की आवश्यकता होती है, इसके अंदर बस एक अंधेरा होता है, एक ट्यूबलाइट मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब होना चाहिए। इलेक्ट्रिक बल्ब के माध्यम से हम ट्रांसपेरेंसी शीट्स को रखते हैं। ट्रांसपेरेंट शीट को जब हम रखेंगे तो वो पूरी की पूरी उसका जो परछाई है वो हमें एक दीवार पे कहीं पे भी हमें दिखाई देती है। एपिडेस्को में क्या होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर में ट्रांसपेरेंसी शीट होती है, लेकिन जो मोटे मोटे अक्षरों में ट्रांसपेरेंस शीट पे मेंशन करते हैं, जो भी कंटेंट में बच्चों को समझाना होता है। एपिडेस्को में क्या होता है, छोटे छोटे पारदर्शी छोटे छोटे चित्र अंकित होते हैं। चित्र हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है, कोई डायग्राम हो सकता है। और उसका हम क्या करते हैं, इसी के लिए भी सेम इलेक्ट्रिक बल्ब की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो ओवरहेड प्रोजेक्टर में बल्ब होता है वो इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बल्ब, मतलब एक तरह से स्ट्रांग प्रकाश इसके अंदर होना चाहिए। एपिडेस्को के लिए मतलब क्या होता है कि अधिक, क्योंकि इसमें अधिक शक्ति का उपयोग होता है। और इसके लिए भी क्या होता है, रूम में अंधेरा होना चाहिए। और क्या होता है, कोई भी मतलब इन दोनों में ट्रांसपेरेंसी शीट का यूज किया जाता है। इसमें बड़े हम मोटे अक्षर में लिखते हैं, इसमें छोटे छोटे जो शब्द अंकित होते हैं उसको हम उस पर दिखाते हैं। तो ये प्रक्षेपक का तीनों रूप है, ये हमने आपकी सहायक सामग्री। लेकिन इसकी जो सहायक सामग्री है वो क्या करती है, प्रक्षेपित के रूप में, शिक्षण अधिगम में प्रक्षेपित रूप में क्या करती है, दृश्य को प्रदर्शित करती है। ये आपका दृश्य सहायक सामग्री खत्म होता है। अब शब्द दृश्य सहायक सामग्री क्या होती है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, सैनिटाइजर करके रखे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके।